हे गाइस, सो रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया था अबाउट नीट 2020 के BHMS एंड BMS के काउंसलिंग के बारे में था एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स क्या हो सकती है. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लेना. एंड उसमें भर भर के क्वेश्चंस आ रहे थे एंड मुझे इंस्टाग्राम पे DMs भी आ रहे थे बहुत सारे क्वेश्चंस. तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देती हूँ, वहाँ पे मैं दो तीन कॉमन क्वेश्चंस के आंसर भी दे दूंगी. एंड ऑल्सो बहुत सारे ऐसे कॉमेंट्स आ रहे थे कि दी स्टेट के ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, महाराष्ट्र का, गुजरात का, राजस्थान का, उड़ीसा का. तो मैंने सोचा कि ठीक है, एक वीडियो में ही बता देती हूँ. तो इस वीडियो के एंड में मैं कुछ स्टेट्स के ऑफिशियल वेबसाइट्स के बारे में बताऊंगी. सो प्लीज़ वीडियो एंड तक जरूर देखना. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन टू नेवर मिस अ डोज ऑफ होम्योपैथी. सो माई सेल्फ सुजाता, आई एम ए फाइनल ईयर BHMS स्टूडेंट फ्रॉम CHMCH ओडिशा. सो इट्स ए प्राइवेट कॉलेज. सो ये मैंने पहले इसलिए बताया क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि आप क्या पढ़ रहे हो, आप कौन से ईयर में हो, आप कौन से स्टेट से हो, कौन से कॉलेज से हो, तो प्राइवेट है, गवर्नमेंट है. तो मैंने बता दिया वो पहले ही. नेक्स्ट मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि दी मेरे इतने मार्क्स है, मुझे स्टेट मतलब स्टेट कोटा से मिलेगा, ऑल इंडिया कोटा से मिलेगा, मुझे सीट मिलेगा कि नहीं. तो देखो, मैं तुम्हें कैसे मतलब श्योर होकर बोल दूँ कि तुम्हारा इतना मार्क्स है तो तुम्हें सीट मिल जाएगा, या फिर तुम्हारा इतने कम मार्क्स है तुम्हें सीट नहीं मिलेगा. तो मतलब इट्स टोटली अनएक्सपेक्टेड ना. तो मैं कैसे ऐसे बोल दूँ कि आपको सीट मिल जाएगा, आपको नहीं मिलेगा. सो मैंने उस वीडियो में बताया था कि कट ऑफ मार्क्स इतने जाते हैं लेकिन आपको सीट आपके रैंक के बेसिस पे ही मिलता है. तो इसलिए मैं आपको ऐसे श्योर होकर नहीं बोल सकती कि आपको मिलेगा एंड किसी को नहीं बोल सकती कि आपको नहीं मिलेगा. सो इसलिए मैं आप सबको ये बोल रही हूँ कि आप लोग पार्टिसिपेट जरूर करना. मतलब ये सोच के मत बैठना कि मेरे कम मार्क्स है तो मुझे सीट नहीं मिलने वाला, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आप लोग ऑल इंडिया कोटा के काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करना एंड ऑल्सो स्टेट कोटा के काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करना, सारे राउंड्स में पार्टिसिपेट करना. क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब उनको सीट अलर्ट होता है लेकिन वो अलग किसी कोर्स में चले जाते हैं या फिर अलग कॉलेज में चले जाते हैं या फिर मतलब क्विट कर देते हैं, तो वो सीट वैकेंट रह जाता है. तो आपको वो सीट मिल सकता है. तो इट्स टोटली अनएक्सपेक्टेड, मतलब इट्स अनसर्टन. सो आप लोग पार्टिसिपेट जरूर करना काउंसलिंग में एंड क्या पता आप लोग को सीट मिल जाए. क्योंकि लास्ट ईयर के मैं चेक कर रही थी, जो ऑफिशियल वेबसाइट मैंने बोला था ना आयुष का, जिसमें 15% ऑल इंडिया कोटा का काउंसलिंग के बारे में आता है, तो www.AACC.gov.in. तो उस वेबसाइट पे मैं चेक कर रही थी. अभी 2020 का अपडेट नहीं हुआ है, 2019 का ही है. तो वो फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड मॉपअप राउंड की जो मतलब लिस्ट थी, अलॉटमेंट लिस्ट थी, तो उसमें देख रही थी मैं. मतलब फर्स्ट राउंड में ही 8 लाख समथिंग रैंक गया था, तो मॉपअप राउंड में भी उतना ही गया था. तो इसलिए मतलब एक होप है. मतलब मैं आप लोग को बोलूँगी, आप लोग होप मत छोड़ना कि नहीं मेरे इतने कम मार्क्स है तो नहीं होगा. प्लीज़ पार्टिसिपेट जरूर करना काउंसलिंग में एंड क्या पता आप लोग को सीट मिल जाए. एंड आई होप कि आप लोग को सीट मिल जाए आप जहाँ भी जाते हो. ओके, एंड नेक्स्ट मुझे बहुत सारे मतलब बोल रहे थे कि मतलब ऐसे डायरेक्ट एडमिशन के लिए बोल रहे हैं कि डायरेक्ट आपको एडमिशन करा देंगे मैनेजमेंट कोटा वगैरह. सो प्लीज़ मतलब ऐसे बहुत सारे कॉल्स आपको आएंगे कि आपके यहाँ इस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, हम करा देंगे, आप इतना डिपॉजिट करा दो एंड ऑल. ऐसा होता है लेकिन प्लीज़ आप लोग मतलब पार्टिसिपेट करना काउंसलिंग प्रोसीजर में, ऑफिशियल वेबसाइट से ऑफिशियल प्रोसीजर में जाना. मैं आप इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब जो ऑफिशियली आपको सीट मिलेगा वो आपका परमानेंट सीट होगा. उसको आप बोल सकते हो कि हाँ ये मेरा सीट है. तो अगर आप किसी के थ्रू जाओगे तो हो सकता है वो एक फ्रॉड मतलब हो जाए कुछ, ऐसा ऐसे बहुत कुछ हो सकता है ना. तो प्लीज़ ऐसे किसी के बातों में फंस मत जाना, प्लीज़ ऑफिशियली जाना. क्योंकि रैंक आपका जितना भी हो मिल जाता है, मतलब एंड तक होप मत छोड़ना कि मुझे नहीं मिलने वाला, मिल जाता है. एंड एंड में जो सीट वैकेंट रहता है तो वहाँ पे आपको मतलब ऐसे मैनेजमेंट कोटा के बेसिस पर भी एडमिशन होता है. और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे रिलेटेड टू काउंसलिंग प्रोसीजर. सो देखो, अभी ऑफिशियली ऑल इंडिया कोटा का काउंसलिंग प्रोसीजर नहीं आया है, तो वो जब ऑफिशियली 2020 के लिए आ जाएगा ना, तो मैं ज़रूर उस पर एक काउंसलिंग के डिटेल प्रोसीजर पे एक डिटेल वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी जब भी वो आ जाएगा. क्योंकि मैं खुद भी मतलब रोज़ चेक कर रही हूँ वो सारे वेबसाइट्स एंड ऑल्सो स्टेट्स के बारे में. देखो, स्टेट्स के मैं सारे स्टेट्स के तो नहीं बना सकती लेकिन कुछ स्टेट्स के कोशिश करूँगी जब उनके ऑफिशियल वेबसाइट्स पे आ जाएंगे डिटेल्स, तो उनके ऊपर वीडियो बनाने की. लेकिन ऑल इंडिया कोटा का मैं ज़रूर बनाऊँगी.
लेकिन आप लोग प्लीज़ रोज़ ऑफिशियल वेबसाइट्स चेक करते रहना, जो कि AAACCC.gov.in है, आयुष की जो 15% ऑल इंडिया कोटा की ऑफिशियल वेबसाइट है। एंड ऑल्सो अब भी आप जाके चेक कर सकते हो, 2019 के है वो, 2020 के अपडेट नहीं हुआ है, तो 2019 के जो अलॉटमेंट की लिस्ट वगैरह है वो भी चेक करना। एंड ऑल्सो जो FAQ सेक्शन है ना, उसका जो ऊपर बार आएंगे तो वहाँ पे काउंसलिंग स्कीम चेक करना, वहाँ पे प्रोसीजर्स लिखा है, एंड जो FAQ पार्ट है वो चेक करना। आपके मन में जो सारे क्वेश्चंस हैं ना, उन सारे क्वेश्चंस के आंसर वहाँ पे ब्यूटीफुली समझाया गया है, मैंने खुद आज वो चेक किया, तभी आपको बोल रही हूँ प्लीज़ वो चेक करना। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको वहीं पे मिल जाएंगे। एंड 2020 का जल्दी अपलोड मतलब अपडेट हो जाएगा वो वेबसाइट, जब होगा मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी। ये थे कुछ कॉमन क्वेश्चंस के आंसर। अभी मैं कुछ स्टेट्स के ऑफिशियल वेबसाइट्स के बारे में बताऊंगी, लेकिन पहले मैं बता दूं 15% कोटा का काउंसलिंग होता है ऑल इंडिया मतलब बेसिस पे, ऑल इंडिया कोटा का, जिसका आयुष मिनिस्ट्री AAACCC.gov.in पे उसके मतलब काउंसलिंग के प्रोसीजर्स वगैरह होते हैं। एंड बाकी के जो 85% होता है स्टेट कोटा के बेसिस पे, उसके डिफरेंट स्टेट्स के जो ऑर्गेनाइजिंग कमिटीज़ होते हैं मतलब ऐसे जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के, वो लोग कंट्रोल मतलब कंडक्ट करते हैं। तो उनके जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है ना स्टेट वाइज, तो वो आपको नीट के जो ऑफिशियल वेबसाइट जिस पे आपने रिजल्ट्स आपको मिला होगा एडमिट कार्ड वगैरह, वो जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसके पेज नंबर 62 से लेकर पेज नंबर 66, फिर से बता देती हूँ, पेज नंबर 62 से लेकर पेज नंबर 66 तक आपको सारे स्टेट वाइज काउंसलिंग के जो मतलब ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है ना, उनके सारे डिटेल्स, वेबसाइट्स, ईमेल्स वगैरह सब कुछ वहाँ पे है, प्लीज़ वो जाके चेक करना। एंड यहाँ पे मैं कुछ स्टेट्स के इंपॉर्टेंट मतलब ऑफिशियल वेबसाइट्स बता देती हूँ, सो प्लीज़ उसको नोट डाउन करना अगर आपके स्टेट्स के हैं तो। एंड मैं ऑल्सो यहीं पे यहाँ पे नीचे कहीं पे मेंशन कर दूँगी इस वीडियो में, सो प्लीज़ उसको नोट डाउन करना, उसी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे ही चेक करना। एंड कुछ वेबसाइट्स मैंने चेक किया है, कुछ अभी मतलब अपडेट नहीं हुए हैं, कुछ पे मतलब ऑल मतलब और सारे बाकी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के बारे में है तो वो अपडेट नहीं हुआ है, एंड कुछ वेबसाइट्स आ नहीं रहे बिकॉज वो अपडेट नहीं हुआ है 2020 के लिए, एंड कुछ वेबसाइट्स में ऑलरेडी आ गए हैं। सो प्लीज़ आपके स्टेट्स का जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है वो जाके चेक करिए, एंड रोज़ चेक करते रहिए जब तक आपका काउंसलिंग प्रोसीजर एडमिशन तक, चेक करते रहना ऑफिशियल वेबसाइट्स। ओके, अब बताती हूँ बिकॉज मैंने डायरी में लिखा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कुछ भी गलत हो, सो इसलिए सो अरुणाचल प्रदेश का है www.apdhte.nic.in, देन आसाम का है www.dmeassam.gov.in, देन आंध्र प्रदेश www.dme.ap.nic.in, देन बिहार का है health.bih.nic.in, देन छत्तीसगढ़ का है www.czdme.in, देन गोवा का है www.dtegoa.gov.in, ओके, देन गुजरात का है bjmc.org, देन हरियाणा का है haryanahealth.nic.in, देन हिमाचल प्रदेश hp.gov.in/hpdmer, देन जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख का एक ही वेबसाइट है जो है www.jkhealth.org, देन झारखंड का है jceceb.jharkhand.gov.in, देन कर्नाटका का है karnataka.gov.in/dmekarnataka, देन केरला का है cee-kerala.org, देन महाराष्ट्र का है www.mahacet.org, देन मिजोरम का healthmizoram.nic.in, देन मध्य प्रदेश medicaleducation.mp.gov.in, ओके, देन मणिपुर का www.rims.edu/in,
देन नागालैंड का है www.dtenagaland.org.in. देन ओडिशा का है www.odishajee.com. देन पंजाब का है www.bfuhs.ac.in. देन राजस्थान का medicaleducation.rajasthan.gov.in. सिक्किम का sikkimhrdd.org. तमिलनाडु का tnmedicalselection.net. तेलंगाना का dmetelangana.gov.in. देन त्रिपुरा का tripurahealthservices.in. देन उत्तराखंड www.ua.nic.in. उत्तर प्रदेश updzme.in. देन वेस्ट बंगाल मेडिकल कॉलेज kolkata.org. सो ये थे कुछ स्टेट्स के ऑफिशियल वेबसाइट्स. एंड बाकी सारे स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज़ के ऑफिशियल वेबसाइट्स आपको नीट के ऑफिशियल पेज के इंफॉर्मेशन बुलेटिन के 62 से लेकर 66 पेज तक मिल जाएगा सारे डिटेल्स. प्लीज़ उसी से ही फॉलो करना सारे ऑफिशियल वेबसाइट्स के बारे में. एंड That's it for this video. And मैं next जब आ जाएगा ना काउंसलिंग के बारे में मैं वीडियो जरूर अपलोड करूँगी. सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड. एंड कॉमेंट्स में अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पर मुझे DM कर सकते हो. एंड प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोग के जर्नी के स्टार्टिंग से आप लोग के साथ कनेक्टेड रहूँ. समझ रहे हो आप लोग. सो दैट्स इट. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.